Hello everyone, welcome to this lecture series on applied fluid mechanics. This is part 4 of lecture 3. I am Itar Chauhan, welcome you all. Last lecture mein humne dekh liya tha ki similitude kya hota hai, types of similarity kya hota hai, geometric similarity kya tha, kinematic similarity kya tha aur dynamic similarity kya tha aur unke liye conditions kya honi chahiye wo humne dekhe the. Uske baad humne ye dekha tha ki dimensionless number kya hota hai, ठीक है, रेशियो ऑफ टू फोर्सेस से कैसे हमने डायमेंशनलेस नंबर फॉर्म किए थे, कौन से फोर्सेस एक सिस्टम के अंदर एक्ट कर सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम के अंदर. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉडल लॉ या सिमिलैरिटी लॉस किसे बोलते हैं, उनका यूज़ क्या है और कितने उनके टाइप है और उनके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे. ठीक है, फॉर द डायनामिक सिमिलैरिटी बिटवीन द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप, the ratio of the corresponding forces acting at the corresponding points in the model and prototype should be equal. इसका मतलब ये है कि कोई भी एक मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में सिमिलैरिटी कब होगी, जब उनके बीच में जो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं. ठीक है, हाँ, सपोज एक सिस्टम है जिसके अंदर ग्रेविटी फोर्स है, प्रेशर फोर्स है, विस्कस फोर्स है, सरफेस टेंशन फोर्स है, तो जब प्रोटोटाइप और मॉडल दोनों के फोर्सेस का हम रेशियो लेंगे तो रेशियो सिमिलर आना चाहिए, जो हमने डायनामिक सिमिलैरिटी में ऑलरेडी देख लिया है. ठीक है, तो रेशियो ऑफ द फोर्सेस एंड डायमेंशनलेस नंबर्स, या तो रेशियो ऑफ फोर्सेस सेम होने चाहिए या तो जो डायमेंशनलेस नंबर्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है, वो सेम होना ज़रूरी है. इट मीन्स फॉर डायनामिक सिमिलैरिटी बिटवीन द प्रोटोटाइप एंड मॉडल द डायमेंशनलेस नंबर शुड बी सेम फॉर मॉडल एंड प्रोटोटाइप. मतलब जो भी आपके डायमेंशनलेस नंबर मॉडल के अंदर है और प्रोटोटाइप के अंदर, वो दोनों सेम होने ज़रूरी है. बट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई द कंडीशन दैट ऑल द डायमेंशनलेस नंबर आर द सेम फॉर द मॉडल एंड प्रोटोटाइप. इसका मतलब ये है कि सपोज हमने रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ प्रोटोटाइप एंड फॉर मॉडल लिया, इन द सेम वे ग्रेविटी फोर्स, इन द सेम वे फॉर हमने सरफेस टेंशन, सबका रेशियो लिया, तो हर प्रॉब्लम के अंदर ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि सारे रेशियो सेम है. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी एक प्रोसेस है उसके अंदर जो डोमिनेंट फोर्स है, एटलीस्ट उनका रेशियो सेम आना ज़रूरी है. ठीक है, तो उस बेसिस पे हम डिफाइन कर पाएंगे कि कौन से प्रोसेस के अंदर कौन से फोर्सेस डोमिनेंट है और कौन से मॉडल लॉस को हमें यूज़ करना है, जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल लॉज हैं और उनका यूज़ किस कंडीशन में, किस टाइप ऑफ एग्जांपल में यूज़ करना है. ठीक है, हेंस मॉडल्स आर डिज़ाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ द फोर्स विच इज़ डोमिनेटिंग इन द फिनोमेना. मतलब जो प्रोसेस के अंदर जो डोमिनेंट फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम मॉडल क्रिएट करेंगे, और मॉडल क्रिएट किस बेसिस पे होगा, तो मॉडल क्रिएट होगा जो भी डोमिनेंट फोर्स है उसके मॉडल लॉ के बेसिस पे. ठीक है, द लॉज ऑन विच द मॉडल्स आर डिज़ाइंड फॉर डायनामिक सिमिलैरिटी आर कॉल्ड मॉडल लॉज और लॉज ऑफ सिमिलैरिटी. मतलब जिस बेसिस पे आपने मॉडल को डिज़ाइन किया है, ठीक है, उस मॉडल लॉ को हम बोलते हैं मॉडल लॉज और लॉज ऑफ सिमिलैरिटी. मतलब जो भी मॉडल क्रिएट होगा वो कोई भी एक मॉडल लॉ के बेसिस पे होगा, और मॉडल लॉ किस अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन कि आपके सिचुएशन या आपके प्रॉब्लम के अंदर डोमिनेंट फोर्सेस कौन से हैं, उन फोर्सेस के अकॉर्डिंग मॉडल लॉ होंगे. ठीक है, तो वो आपको मॉडल लॉस को यूज़ करना है आपके मॉडल क्रिएट करने के लिए. तो फर्स्ट मॉडल लॉ है हमारा रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ. रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ इज द लॉ इन विच मॉडल्स आर बेस्ड ऑन रेनॉल्ड्स नंबर. मॉडल्स बेस्ड ऑन रेनॉल्ड्स नंबर इंक्लूड पाइप फ्लो, रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस बाय सबमरीन्स, एयरप्लेन्स, फुल्ली इमर्स बॉडीज एक्सेट्रा. मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर विस्कस फोर्स आपका डोमिनेंट हो, अगर विस्कस फोर्स डोमिनेंट होगा तो आपको रेनॉल्ड्स नंबर यूज़ करना पड़ेगा. तो उस कंडीशन में जो मॉडल लॉ यूज़ होगा वो होगा आपका रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, और इस बेसिस पे आपका मॉडल क्रिएट होगा. ठीक है, मतलब आपका प्रॉब्लम है रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे विस्कस फोर्स के अकॉर्डिंग, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ और उस बेसिस पे आपका मॉडल क्रिएट होगा. वो कंडीशंस कौन सी है जिसके अंदर हमें रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ यूज़ करना है, तो पहली कंडीशन है आपकी पाइप फ्लो,
मतलब वाटर फ्लोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ पाइप, और दूसरा है आपका रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस बाय सबमरीन्स, एयरप्लेन्स, फुल्ली इमर्स्ड बॉडी एक्सेट्रा. ठीक है, एयरप्लेन्स में भी यूज़ होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्लूइड वाटर ही हो, आपका फ्लूइड एयर भी हो सकता है. ठीक है, एज डिफाइंड अर्लियर दैट रेनॉल्ड्स नंबर इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स एंड हेंस फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम्स वेयर विस्कस फोर्स अलोन आर प्रीडोमिनेंट द मॉडल्स आर डिज़ाइंड फॉर डायनामिक सिमिलरिटी ऑन रेनॉल्ड्स लॉ. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, कि वो रेशियो है इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स का. तो ऐसे प्रॉब्लम जिसके अंदर विस्कस फोर्स डोमिनेंट होंगे, उस कंडीशंस में हम रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ को यूज़ करेंगे, विच स्टेट्स दैट द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द मॉडल मस्ट बी इक्वल टू द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द प्रोटोटाइप. इसका मतलब ये है कि अगर हमें रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ यूज़ करना है, तो रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ मॉडल इक्वल्स टू रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ योर प्रोटोटाइप, ये दोनों सेम होना ज़रूरी है. ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं. लेट वी एम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन मॉडल, रो एम इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन मॉडल, एल एम इक्वल्स टू लेंथ और लीनियर डायमेंशन ऑफ द मॉडल, म्यू एम इक्वल्स टू विस्कोसिटी और फ्लूइड इन मॉडल. ठीक है, तो हमने जितने भी मॉडल के पैरामीटर्स थे उन्हें नोटेशंस दे दिए. इन द सेम वे आप प्रोटोटाइप के पैरामीटर्स को भी नोटेशंस दे सकते हैं. उनके नोटेशंस क्या है? उनके नोटेशंस है वी पी फॉर वेलोसिटी, रो पी फॉर डेंसिटी, एल पी फॉर लेंथ या लीनियर डायमेंशन, दूसरे हो सकते हैं वो डायमीटर या ब्रेथ भी हो सकते हैं, और म्यू पी हो सकता है जो आपके विस्कोसिटी के लिए. ठीक है, आर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी, लीनियर डायमेंशन एंड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इन केस ऑफ प्रोटोटाइप. देन अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ. ठीक है, हमने पैरामीटर्स को नोटेशंस दे दिए, फिर रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ मॉडल इक्वल्स टू रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप. ठीक है, तभी आप रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ को यूज़ कर सकते हैं. रेनॉल्ड्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रो वी एल अपॉन म्यू या रो वी डी अपॉन म्यू. जब पाइप फ्लो प्रॉब्लम्स होंगे तब लेंथ की जगह आप डायमीटर यूज़ करेंगे. यहाँ पे क्या किया गया है? रो एम इंटू वी एम इंटू एल एम डिवाइड बाई म्यू एम, जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ मॉडल है वो इक्वल होना चाहिए रो पी वी पी इंटू एल पी डिवाइड बाई म्यू पी. ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी आपका रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ वैलिड है. ठीक है, जो हमारा इक्वेशन था कि रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप, अब हमने क्या किया है कि सारे टर्म एक साइड ले लिए, जिससे हमारा रेशियो क्या हो गया कि रो पी इंटू वी पी इंटू एल पी, जो आपके पैरामीटर्स हैं प्रोटोटाइप के, डिवाइड बाई रो एम इंटू वी एम इंटू एल एम इंटू जो आपका विस्कोसिटी था वो डिनोमिनेटर में था, तो आपने क्या किया म्यू पी अपॉन म्यू एम कर दिया है, विच इज़ इक्वल्स टू वन. मतलब सारे पैरामीटर्स आपने एल एच एस में ले लिए और आर एच एस में क्या किया है, कॉन्स्टेंट रह गया वन वैल्यू. ठीक है, अब इससे आपको क्या मिलेगा? आपको इससे आपको मिलेगा स्केल रेशियो. ठीक है, अब रो पी अपॉन रो एम क्या हो गया? आपका रो आर हो गया, जो आपका डेंसिटी स्केल रेशियो है. वी आर क्या है? आपका वेलोसिटी स्केल रेशियो वी पी अपॉन वी एम. एल आर है आपका लीनियर डायमेंशन या लेंथ स्केल रेशियो एल पी अपॉन एल एम. और म्यू पी अपॉन म्यू एम है आपका म्यू आर, जो आपका विस्कोसिटी स्केल रेशियो है. ठीक है, जिसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है रो आर इंटू वी आर इंटू एल आर अपॉन म्यू आर, विच इज इक्वल्स टू वन. ठीक है, एंड ऑल्सो रो आर कॉमा वी आर इंटू एल आर कॉमा एल आर सॉरी एंड म्यू आर कॉल्ड एज द स्केल रेशियो फॉर डेंसिटी, वेलोसिटी, लीनियर डायमेंशन एंड विस्कोसिटी. इसी तरीके से आप बाकी के स्केल फैक्टर या स्केल रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. द स्केल रेशियो फॉर टाइम, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड डिस्चार्ज फॉर रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ आर ऑब्टेंड एज टी आर इज इक्वल्स टू टाइम स्केल रेशियो इज इक्वल्स टू एल आर अपॉन वी आर. आपका वेलोसिटी होता है एल बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप टी को लिख सकते हो
टी इज इक्वल्स टू एल बाई वी जो हमने यहाँ पे लिया है, टी आर इज इक्वल्स टू एल आर अपॉन वी आर। ठीक है, एल आर और वी आर कहाँ से आया, आपने रेशियो लिया है मॉडल और प्रोटोटाइप के लीनियर डायमेंशन और वेलोसिटी का, तब आपको टी आर मिला है। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यूज़ नहीं है, ये सारे रेशियोज है। इन द सेम वे आप एक्सेलरेशन का फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वी आर अपॉन टी आर। अब वी आर भी यहाँ पे रेशियो है मॉडल और प्रोटोटाइप और मॉडल का। ठीक है, इन द सेम वे आप फोर्स के लिए कर सकते हैं और डिस्चार्ज के लिए कर सकते हैं। ये सारे वैल्यूज हमने ऑलरेडी पहले देखे हैं। ठीक है, तो वापस वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है कि जो आर नोटेशन है वो आपका रेशियो है, स्केल रेशियो है। ठीक है, वो किसी भी पैरामीटर के लिए हो सकता है, फोर्स के लिए हो सकता है, विस्कोसिटी के लिए हो सकता है, लीनियर डायमेंशन के लिए हो सकता है, या किसी और चीज़ के लिए भी हो सकता है। रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ के ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर एट अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक पाइप है जिसके अंदर वाटर एज अ फ्लूइड मीडियम है, जिसका डायमीटर आपका 30 सेंटीमीटर है और वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑयल फ्लोइंग इन अनदर पाइप ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। अब दूसरा एक पाइप है जिसके अंदर आपको वेलोसिटी ऑफ ऑयल फाइंड आउट करना है, मतलब वो पाइप के अंदर फ्लूइड कौन सा है आपका, आपका ऑयल है। ठीक है, जिसका डायमीटर है आपका 10 सेंटीमीटर और वेलोसिटी हमें पता नहीं है, जो हमें फाइंड आउट करना है। इफ़ द कंडीशन ऑफ डायनामिक सिमिलैरिटी इज सेटिस्फाइड बिटवीन द टू पाइप। अब क्वेश्चन में ये दे दिया है कि दोनों पाइप के बीचों में डायनामिक सिमिलैरिटी है। अब डायनामिक सिमिलैरिटी है मतलब बाकी की सिमिलैरिटी ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाती है वो कंडीशन में। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड ऑयल इज गिवन एज 0.01 पॉइस। ठीक है, पॉइस किसका यूनिट है, पॉइस है आपका डायनामिक विस्कोसिटी का CGS में यूनिट। ठीक है, आपका SI यूनिट डायनामिक विस्कोसिटी का क्या है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या उसे पास्कल सेकंड भी बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। एंड 0.025 पॉइस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल आपको देखिए रखा है 0.8। सॉल्यूशन देख लेते हैं, हमारा लेड फॉर पाइप वन आपका फ्लूइड क्या है, लिक्विड एज अ वाटर है। डायमीटर कितना दिया आपको, 30 सेंटीमीटर दिया है, जिसको मीटर में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा, 0.30 मीटर हो जाएगा। वेलोसिटी हमें दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। विस्कोसिटी हमें क्या दिया गया है, म्यू वन इज इक्वल्स टू 0.01 पॉइस। अब पॉइस से अगर हमें न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में जाना है, CGS से आपको जाना है SI यूनिट में, तो उसका रेशियो क्या है आपको, 1 पॉइस इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। मतलब अगर आपको कोई भी विस्कोसिटी के वैल्यूज़ पॉइस में दिए और आपको न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में उसे कन्वर्ट करना है, तो आपको डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा, जो यहाँ पे हमने किया है। 0.01 पॉइस इज इक्वल्स टू 0.01 डिवाइड बाई 10 SI यूनिट। SI यूनिट क्या है हमारा, मैंने आपको बताया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डेंसिटी क्या है आपका, रो वन वाटर है, इसके लिए वाटर का डेंसिटी क्या है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। पाइप टू में क्या है, हमारा लिक्विड ऑयल है, डायमीटर आपको 10 सेंटीमीटर दिया, उसको आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.1 मीटर हो गया। वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है और विस्कोसिटी कितना दिया है, विस्कोसिटी दिया है 0.025 पॉइस, जिसको आपने न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया डिवाइडिंग बाय 10, तो 0.025 डिवाइड बाई 10 हो गया। अब डेंसिटी आपको नहीं दिया गया है ऑयल का, तो आपको डेंसिटी की ज़रूरत है। आप तो डेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी से कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वही सेम चीज कर लिया आपने कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया 0.8 इंटू 1000। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ आपने डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपको क्या मिल गया, आपको डेंसिटी ऑफ ऑयल मिल गया। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या आ गया आपका, 800 kg पर मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ़ द पाइप्स आर डायनामिकली सिमिलर द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर बोथ द पाइप शुड बी सेम। ठीक है, अब पाइप फ्लो प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें रेनॉल्ड्स नंबर यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ यूज़ होगा। तो रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं कि
rho 1 v 1 d 1 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल्स टू rho 2 v 2 d 2 अपॉन म्यू 2। अब यहाँ पे d यूज़ हुआ है l की जगह, मैंने आपको पहले ही बताया था अगर डायमीटर आपका पाइप फ्लो प्रॉब्लम है तो हम लेंथ की जगह डायमीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इनमें से हमारे पास डेंसिटी है, वेलोसिटी भी है, डायमीटर भी है, विस्कोसिटी भी है, बस ऑयल का हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो हमने पूरा इक्वेशन क्या कर लिया, इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया है वी टू के फॉर्म में। तो हमारा वी टू क्या हो गया है, रो वन डिवाइड बाई रो टू इंटू डी वन अपॉन डी टू इंटू म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू वी वन, ठीक है। बहुत टफ नहीं है ये, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको स्टेप बाई स्टेप ध्यान रखना है। अब हमारे पास डेंसिटी था, रो वन 1000 था, रो टू हमारे पास 800 है, डी वन हमारे पास 0.30 है, डी टू हमारे पास 0.10 है, म्यू टू हमने कन्वर्ट कर लिया था, म्यू वन भी कर लिया था, और वी वन है हमारा 4। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा हमारा 37.5 मीटर पर सेकेंड, जो आपका वी टू है। वी टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑयल इन पाइप टू, जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्टेप्स है जो हमें ध्यान रखना है, अगर हम मॉडल्स लॉ को अच्छे से देखेंगे तो हम न्यूमेरिकल्स भी बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।